नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत है ये डिज़ाइन। इसे बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे हम 3-3 फंदे गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए एज के लिए, तो मैंने 14 फंदे डाले हैं। मैंने उल्टे फंदों का बॉर्डर डाला है, तो जब हम रॉन्ग साइड में आएंगे तो हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। चाहे हम कोई सा भी बॉर्डर डाले हों, लेकिन रॉन्ग साइड में हम फंदों को उल्टा बुनेंगे। और देखिए हम इसे कैसे बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, दूसरा फंदे को हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटेंगे और उल्टा बुनेंगे। नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, अगला फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। और डिज़ाइन बनाने से पहले जो आखिरी लाइन है ये बॉर्डर का, उसमें हमें सभी फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को सिलाई में 2 बार ऊन लपेट हुए तब उल्टा। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेट के उल्टा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, दूसरा फंदा तो उल्टा बुन लिया, अगला फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा, नेक्स्ट फंदा उल्टा और लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम सामने की तरफ से हैं और अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और सामने से पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब हम देखिए एक ये हमने लपेटा हुआ था, इसे खोल लेंगे और नेक्स्ट फंदा। इन 3 फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, फिर इन्हीं 3 फंदों में एक और सीधा फंदा। तो हमने 3 से 3 फंदे बना लिए। अब उनको अपनी ओर करेंगे, अब नेक्स्ट फंदा खोलेंगे। देखिए 1, 2 और 3, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और देखिए उन हमारी तरफ है, यानी यहाँ पे जाली पड़ेगा। और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे और फिर इन्हीं 3 फंदों में एक और 3 फंदा। फिर नेक्स्ट अब उनको अपनी ओर करेंगे, यहाँ पर हमें जाली देना है। अब फिर 3 फंदों को अगले 3 फंदों को लेंगे। ये हमने लास्ट लाइन में जो फंदे लपेटे थे, तो देखिए हमें बुनने में आसानी हो गई, वरना हम बुनना बहुत ही कठिन हो जाता। तो लास्ट लाइन में आप लपेटिएगा जरूर, जैसे मैंने लास्ट लाइन किया था बॉर्डर का लास्ट लाइन और सभी फंदे उल्टा बुनते हुए, उस लाइन को आप स्किप मत करिएगा, वरना आप डिज़ाइन बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो उनको हमने अपनी ओर कर लिया, अगले फंदे में 3 फंदा लिया, सीधा फंदा बनाया बैक लूप से, फिर उनको अपनी ओर किया, फिर इन्हीं 3 फंदों में एक और फंदा। तो 3 से 3 फंदे हमने कर लिए। उनको अपनी ओर करेंगे, अगले 3 फंदों को खोलेंगे, अगले 3 फंदों को हम लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। उनको अपनी ओर करेंगे, फिर इन्हीं 3 फंदों में एक और सीधा फंदा। तो 3 फंदा बुनने के बाद हमें उनको अपनी ओर कर लेना है। देखिए हमने जब जब बुना है, 3 फंदा बनाया है, तो उनको अपनी ओर कर लेना है, यानी 3 फंदा बुना, अब उनको अपनी ओर किया, लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं। ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहले फंदे को हम चाहे तो बुन ले, चाहे तो स्लिप कर ले। मैं स्लिप करती हूँ, मैंने स्लिप कर लिया। अब इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, लेकिन हम यूं नहीं बुनेंगे, बल्कि देखिए इस को हमें घुमा के बुनना है, यानी पीछे की तरफ से। जब हम ऐसे बुनेंगे तो ये फंदा घूम जाएगा। देखिए ये हमारा घूम गया, तो हमें ऐसे बुनना है। अब देखिए ये 3 फंदा जो हमने लिया था, तो इन 3 फंदों के पीछे हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये 3 फंदा जो है, इसके पीछे हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला,
अब उनको अपनी ओर करेंगे, तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, तीन का एक कर लेंगे, तीन का एक कर लिया। अब उन दूसरी ओर, अब ये जाली है, इसे हमें ऐसे नहीं बुनना है, बल्कि देखिए इसके नीचे से ऐसे सिलाई ले जाना है, नीचे से सिलाई ले जाएंगे और इसे सीधा बुन देंगे। अब इन तीन फंदों के पीछे ऐसे सिलाई ले जाएंगे, इन तीन फंदों के बाद, तीन फंदों के बाद हम अपना सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। लूप निकाला, अब उनको अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर फिर जाली को हमें पीछे की तरफ से सीधा बुन देना है। ये घूम गया। अब इन तीन फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, देखिए इन तीन फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और इन तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अब ये हमारा जाली आ गया। उन दूसरी ओर करेंगे, इसे हमें सीधा बुनना है लेकिन बैक लूप से सीधा बुनना है, तो सीधा बुन लिया। तीन फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, लास्ट फंदा उल्टा। तो देखिए हमारा डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा है। अब एक बार और हम बनाते हैं। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब इन तीन फंदों को लेंगे, देखिए एक दो तीन, इन तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इन्हीं तीन फंदों में एक और सीधा फंदा, तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए। अब उनको अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा बुनने के बाद हमें जाली देना है, तो उनको अपनी ओर किया। अब नेक्स्ट तीन फंदे हम लेंगे, ये एक दो और तीन, तीन फंदे लेंगे, तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। सीधा फंदा बनाया, उन अपनी ओर किया, फिर इन्हीं तीन फंदों में एक और सीधा फंदा, तीन से तीन फंदे बना लिए। अब हम उनको अपनी ओर करेंगे, यहाँ हमें जाली देना है और फिर तीन फंदों को एक साथ लेके तीन से तीन फंदे बना लेना है। तीन से तीन फंदे बना लिया, अब उनको अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे, एक दो और ये जाली वाला फंदा, तीन, तीन फंदों को लिया, बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाया, फिर उन अपनी ओर, फिर इन्हीं तीन फंदों में एक और सीधा फंदा। अब तीन फंदे बनाने के बाद हमें जाली देना है, तो उन अपनी ओर करेंगे और ये लास्ट फंदा है जिस स्टिच है, इसे हम सीधा बुन देंगे, जाली देते हुए सीधा। अब उनको अब ये हमारा, अब हम रॉन्ग साइड में आ गए, तो देखिए पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब ये जाली वाला फंदा है, इसे हमें सीधा बुनना है, तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। सीधा बुन लिया, देखिए ये घूम गया। अब इन तीन फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे, तीन फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, यहाँ से हमें एक लूप निकालना है, तो लूप निकाल लिया। अब उनको अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर लेंगे। उन दूसरी ओर, अब ये हमारा जाली वाला फंदा है, तो इसे हमें घुमा के सीधा बुन देना है। और अब इन तीन फंदों के बाद सिलाई डालेंगे, इन तीन फंदों के बाद हमें लूप निकालना है, तो सिलाई डालेंगे और सीधा बुनते हुए एक लूप निकाल लेंगे। अब उन अपनी ओर और इन तीन फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे। अब ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया, तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हमें घुमा कर सीधा बुन देना है। देखिए ये घूम गया, जब हम बैक लूप से ऐसे बुनेंगे तो ये घूम जाएगा, सीधा बुन हो गया। अब इन तीन फंदों के बाद हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, उनको अपनी ओर,
फिर इन तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। उन दूसरी ओर जाली को सीधा बुनेंगे, तीन फंदों के बाद एक लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर फिर तीनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। लास्ट फंदा है स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। दो लाइन का डिजाइन है और तीन फंदों का। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।